गुलजार छानियाले के नए गाने टैर पाटगे के कमेंट्स में न्यू देखने ने मिल लिया कि इस गाने ने कोई भी अपने ऊपर मत लियो, तो इस वीडियो में इससे गाने का रिव्यू करके न्यू देखांगे कि यो गाना किसी के ऊपर है तो क्यों है और किसी के ऊपर कोन्या तो क्यों कोन्या। गाने के बढ़िया पॉइंट्स की बात करा तो इबके ना गुलजार के वोकल्स सही आ रहे है, ना कि तगड़ी सी एक्सेस ऑटो ट्यून दिखती और वर्ड भी सारे साफ सुने है, एक दो अड़के फुड़के गलीच है। म्यूजिक की बात करा तो म्यूजिक भी इस डाल के गाने खातर मन सही जचता लग गया। हालांकि पितर वाले म्यूजिक में मन थोड़ा फर्क सा महसूस होया था, पर इस खातर यो सही है। लिरिक्स और वोकल्स की टोन के हिसाब से म्यूजिक में अलग अलग जगह पे अलग अलग इफेक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट भी बदलते दिखे है, जो कि गाने ने और भी इंटरेस्टिंग बनावे है। पर मन गाना घनी व सुनन का ना लग गया, दो चार बार सुने पाछे थोड़ा हा कम स्वादला हो जा है। बीच बीच में ध्यान तो सुना जब घड़िए की बीट का भी टच आवे है, और थोड़ा थोड़ा इस डाल का म्यूजिक गुलजार साल दो साल पहला दिया करता और हो सके गाना पहला का भी बनया दरिया हो और इस टाइम खातर तैयार करके दर रखा हो। लिरिक्स के मतलब लास्ट में देखांगे, पहला वीडियो की भी बात कर लिया। इब के ने वीडियो का कंसेप्ट थोड़ा हा अलग डाल का दिखा और वो न्यू दिखा क्योंकि गुलजार के लगभग सारे गाने में कोई ना कोई स्टोरी चलती दिखा करती, पर इस गाने में कोई स्टोरी कोन्या। गाने के हिसाब से बिना स्टोरी वाली प्रेजेंटेशन की गेल एक फन्नी सी वीडियो बना रखी है, जिसमें वे सारी बात बताने की कोशिश करी गई जो गाने में कही गई है। और अमित और नितिन भाई ने क्यों कर भूल सका, हाँ इन भाइया का भी अपना रोब है वीडियो में। ईब नंबर है लिरिक्स के मतलब का, जिस खातर थम इस वीडियो पर आए होगे और अड़ाक कहूं के आ जा तेरी ये बाट थी, जो कति शुरू वाली लाइन है तेरे आले फटफटे तो बोले टिकटॉक पे। इस लाइन ते थोड़ा थोड़ा न्यू लग गया है कि यो गाना पहला का लिखा उड़ है। अगर पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में यह बात होती तो इस गाने ने ईब का मान सका थे, पर यह बात प्रेजेंट की है और टिकटॉक ने बंद हुए दो साल होने न हो रही है। यो गाना नॉर्मल माफिया लग गया है जिस डाल के गाने गुलजार पहला बनावे था। एक दो लाइन का संकेत जावे है जो थम सोचो हो उस पे। वो तो बुजुर्ग की लाज खागी मन्ने नी ते तेरे तभी बुंडी से सुनानी जानदा, पर बात उल्टी घूम जा है और फिर ते जो नॉर्मल अज्यूम करे उड़ बैरी है वे टारगेट है, जुकर फिल्टर शॉट जिसे गाने में थे। रे तेरे फिल्टर शॉट करा देंगे, तो ये इससे डाल के शॉट इस गाने में भी देखने ने मिल रहे है। रिपीट पाछे मार के गे बने सुरमा, और हो सका है यो गाना इस तरीके से लिखा गया हो कि डायरेक्ट कोई बात किससे कभी ना लग गए। फिर उसके बाद यह चूरमियाली लाइन थी, गरा खाली है रजा का माई देव है चूरमा, यह थोड़ी अजीब सी लगी, पर डायलॉग्स में क्लियर करने की कोशिश करी गई कि गुलजार ने यह लाइन क्यों कही और यह लाइन सस्ते बदमाशा खातर कही है। आखिरी माते आते ऐसा लग गया है जनु गाना किसी कलाकार पे है जब यह लाइन कही, जिसमें नर्सरी राइम से रिलेटेड कुछ कहा था। करना कम्पीट थाने जैसा छानी आला पहला नर्सरी से राइम याले परे छोड़ दियो। नर्सरी राइम्स जिसने ना बेरा तो एक एग्जांपल की गेल बता दूं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गाड़ी घर ने खड़ी चार, गाड़ी में ये बैठे यार, यारा तो रसैत यार। तो कहने का मतलब यो है कि कति सिंपल सिंपल से शब्द न्यू राइम करा तो ये नर्सरी राइम है, और थारे हिसाब से हरियाणा में कौन सा ऐसा कलाकार है जो इसी राइम लिखे है कमेंट में बताइयो। फिर एक लाइन में गुलजार आने वाले टाइम में एमएलए बनन की बात कर रहा है। जड़ू में से शहर का एमएलए लाग रहा वो भी तो न बन के दिखावांगे, मतलब के पॉलिटिक्स में आने की बात कर रहा है। अरीब सी पॉलिटिक्स में कुछ और भी कलाकार आए हैं जिस कारण या लैन उन रिलेट करे है, और न्यूए इस ये बाता की गेल गाना खत्म हो जाए है और सीधा सीधा कोई जवाब गाने में नहीं है, और जब बाता ने रिलेट करांगे तो कुछ एकाधे जवाब देखने ने मिल सके है। और जिसा मैंने पहला भी बताया कि हो सके गाना इस तरीके तक डिजाइन कर रखा हो कि डायरेक्ट किसी का ना लग गए। वीडियो आड़ेती देखने खातर धन्यवाद, जल्दी मिल लांगे किसी और वीडियो गेल, इतने राम राम।